और लोकसभा 2019 आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सख्त दिशा निर्देश जारी करें, धारा 126 भी लागू करिए प्रत्याशियों के लिए। धारा 126 क्या है हम आपको विस्तार से सुन पाएंगे, लेकिन प्रत्याशियों को पालन करना पड़ेगा धारा 126 का, और अगर पालन नहीं करा तो क्या होगा हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं। इसके उपबंधों और इससे संबंधित अन्य उपबंधों की समीक्षा करने के अधिदेश से और इस संबंध में उपयुक्त संशोधन करने के लिए आयोग द्वारा प्रौद्योगिकी के विकास एवं सोशल मीडिया के युद्ध के संदर्भ में धारा 126 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। इस समिति द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय एवं राज्य दलों से विचार भी मांगे गए थे। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में विभिन्न संस्तुतियों के अतिरिक्त समिति ने राजनीतिक दलों से धारा 126 के उपबंधों का सत्य अनुपालन कराने के लिए एक परामर्शिका प्रस्तावित की है। आयोग सभी राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने नेताओं और प्रचारकों को अनुदेश दें तथा उन्हें ब्रीफ करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि RPA Act 1951 की धारा 126 के अंतर्गत परिकल्पित सभी प्रकार के मीडिया पर शांत अवधि का अनुपालन करें और उनके नेता और कार्यकर्ता ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे धारा 126 का उल्लंघन हो। बहु चरणों वाले निर्वाचन में संभव है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम 48 घंटे की शांति अवधि हो सकती है, जबकि अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार अवधि प्रचार अभियान चल रहा हो। ऐसी स्थिति में ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जिनमें शांति अवधि चल रही है उनके दलों या अभ्यर्थियों को समर्थन मांगने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ नहीं होना चाहिए। शांत अवधि के दौरान स्टार प्रचारकों एवं राजनीतिक दलों को निर्वाचन संबंधी मामलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तथा साक्षात्कार देने के लिए मीडिया से दूर रहना चाहिए। इस अनुदेश का अनुपालन हेतु के सभी स्तरों के कार्यकर्ताओं को।